जय हिंद डियर स्टूडेंट। फोर्थ चैप्टर से क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, वहां से न्यूमेरिकल है। द नट इज ओपेंड बाई अ रिंच ऑफ द लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक रिंच है, रिंच बना लेते हैं, एक रिंच है और वो उस रिंच से हम क्या कर रहे हैं, एक नट ओपन कर रहे हैं, एक नट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और नट भी हम नट के तरीके ही बना लें, जैसे ये कुछ ऐसे होता है, ये नट बन गया। कह रहा है कि इस रिंच से इस नट को ओपन किया जा रहा है और 25 सेंटीमीटर यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, जो आर परपेंडिकुलर है वो कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर है, ये पूरा डिस्टेंस यहां तक। कह रहा है इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू, अगर इसको खोलना है तो जो लीस्ट फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 10 न्यूटन होना चाहिए, 10 न्यूटन होना चाहिए। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट, इसको घुमाने के लिए जो टर्निंग इफेक्ट है यानी कि टॉर्क है, वो टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है। टॉर्क इक्वल टू कौन कैलकुलेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बेटे, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू बताइए, क्या होता है, फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, फोर्स आपको पता है कितना है, 10 न्यूटन में है, याद रखना ये तो सेंटीमीटर में है, गड़बड़ हो गया। तो आर परपेंडिकुलर आपको क्या करना होगा, 0.25 मीटर कर लेना होगा, या 25 × 10⁻²⁻ मीटर कर लेना होगा। अब यही तो 10⁻²⁵ ही तो बना है, 0.25 मीटर यही तो हुआ है, तो 0.25 लिख लेते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई मीटर, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो यहां पर जो आंसर आया मेरा 0.25 न्यूटन मीटर आ गया, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।